दोस्तों आज बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की। एफडी क्या होती है? एफडी निवेश करने का एक सुरक्षित साधन है जो पोस्ट ऑफिस, बैंक और एनबीएफसी अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। एफडी के माध्यम से लोग एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित मतलब आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं आपको इतना पैसा इस टाइम पे मिलेगा। ये एक फिक्स होता है और एक निश्चित राशि आप निवेश करते हो उसका आपको रिटर्न एक निश्चित आपको मिलता है। वैसे तो एफडी की सलाह बहुत से लोग देते हैं लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो थोड़ा रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड या फिर सीधे शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। यहाँ से आपको तगड़ा रिटर्न तो मिलता है लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं होती। वही एफडी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसमें गारंटीड के साथ रिटर्न भी मिलता है, भले ही थोड़ा कम मिलता है लेकिन आपको एक निश्चित अवधि में एक निश्चित पैसा आपको मिलता है जो कि आपको शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। आज हम बात करते हैं कौन से बैंक कितने परसेंट पे एफडी दे रहे हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइवेट बैंकों की। 5 साल की जमा राशि पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। ब्याज की दर 4.5% से लेकर 6.5% तक है। इन प्राइवेट बैंकों में डीसीबी बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक का नाम है। लोग सरकारी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम शुरू करते हैं ताकि निवेश सुरक्षित रहे। जब रिटर्न की बात करते हैं तो स्मॉल सेविंग बैंक या गैर वित्तीय संस्थाएं ज्यादा लाभ देती हैं। रिजर्व बैंक ने जब से रेपो रेट को 4% पे निश्चित रखा है तब से बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दर भी कम कर दी है। रेपो रेट पिछले 1 साल से 4% पर ही बना हुआ है। इसका बड़ा असर एफडी की ब्याज दरों पर देखा जा सकता है। एफडी रिटर्न जब से पूरी तरह से टैक्सेबल हुए हैं तब से एफडी कमाई कम हुई है। इन सब के बीच देश के कई प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो रेपो रेट के प्रभाव से बेअसर दिखते हैं और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपने एफडी पर ज्यादा रिटर्न लेना है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से एफडी करा सकते हैं। ये बैंक और संस्थाएं एवरेज इंटरेस्ट रेट से ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। निवेशक चाहे तो अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा इन प्राइवेट बैंकों की एफडी में जमा कर सकते हैं। चूंकि ये स्कीम सरकारी बैंकों की नहीं है और प्राइवेट बैंक चला रहे हैं इसलिए जोखिम की संभावना ज्यादा है, लेकिन अच्छे रिटर्न के लिए इसे आजमा सकते हैं। अगर निवेशक जोखिम से बचना चाहते हैं तो उसका एक उपाय है, मान ले कि आपको 5 लाख की एफडी करानी है तो पूरा पैसा एक प्लान और एक बैंक में ना रखें। 5 लाख की एफडी को 5 हिस्से में यानी 1-1 लाख रुपए की एफडी खरीद लें। इन एफडी को अलग अलग अवधि के लिए जमा कर दें, इससे जोखिम भी कम रहेगा और समय दर समय रिटर्न भी मिलता रहेगा। कोई एफडी 1 साल के लिए, कोई 2 या कोई 3 या कोई 5 साल के लिए आप कर सकते हैं। कुछ बैंक अच्छा ब्याज भी दे रहे हैं। ध्यान रखिए कि सीनियर सिटीजन के लिए इसमें 0.50 ज्यादा ब्याज मिलता है। यह लगभग सभी बैंकों पे नियम लागू है। पहले नंबर पर डीसीबी बैंक है जो आपको जमा पूंजी पर 5.70 से लेकर 6.5% तक रिटर्न दे रहा है। दूसरे नंबर पर इंडसइंड बैंक है जो 5.5 से 6.5% दे रहा है। तीसरे नंबर पर आरबीएल बैंक है 5.40 से 6.50% ब्याज दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्याज दे रहा है वो मुथूट फाइनेंस दे रहा है। छोटे बैंक या गैर वित्तीय संस्थाओं की बात करें तो मुथूट फाइनेंस की एफडी पर 1 साल के लिए 8% का रिटर्न मिल रहा है। उत्तराखंड समाल बैंक 1 साल की एफडी पर 6.75% ब्याज दे रहा है। सूर्योदय समाल फाइनेंस बैंक 3 साल से 5 साल की एफडी पर 6.75% रिटर्न दे रहा है। जैना बैंक 3 साल 1 दिन के लिए एफडी पर 6.75% ब्याज दे रहा है। एसबीएम बैंक 1 साल से लेकर 1 साल 1 दिन के लिए एफडी पर 6.5% ब्याज दे रहा है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं एफडी के, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का फायदा यह है कि आपको एक निश्चित अवधि पर एक फिक्स आपको ब्याज मिल जाता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं।